तो आप सभी को हैप्पी 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 दशहरा दशहरा के हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी दफ़ा बोल रही हूँ कि इसलिए शायद किसी ने ना सुना हो कि क्या आवाज़ तेज नहीं दी थी, इसके लिए हैप्पी दशहरा। अच्छा, दशहरा के दिन हम रावण को जलाते हैं, बोलते हैं हार पे विजय की जीत हुई, ये सारी चीज़ें कहते हैं। मैंने इस पर नया मतलब मैंने खुद से दो चीज़ें मैंने सोची है। एक तो मैंने मेरी बहन ने बताया, वो क्लिप मैंने दूसरी वाली वीडियो में डाली हुई है, पहले वाली तो नहीं देखा, लोग जाके देखेंगे। मुझे दिखा नहीं, लेकिन दो ही किले जगह उखड़ी और हम लोगों ने कई जगह पे गए थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मेरी लड़की वैसे भी गुस्सा कर रही थी कि नहीं करना चाहिए, बट मेरा था कि उससे कुछ अच्छा अगर हो सकता है तो ठीक है, शायद मैं गलत भी हूँ, बट इसके लिए तो वो मैंने सोचा है और वो अंदर मैंने रखा है मन में कि अब मुझे वैसा ही करना है। और दूसरा घर पर भी करूँगी, लेकिन बट वहाँ पे भी करूँगी। और जो दूसरा है, बैठ ही जाती हूँ मेरी, क्या सोचा, अपने मन के क्रोध को शांत करना। क्रोध को मैंने वैसे सावन में दो साल हो गया, सावन में भोले भंडारे मेरी माँ ने बोला था, तभी मैंने अपने गुस्से पे बहुत काम कर लिया था और गुस्से को शांत कर लिया था। कभी तो भी बढ़ जाता इंसान हूँ, और बस अपने मन के अहंकार को अभिमान को हमें जलाना चाहिए, उस पर विजय पाना चाहिए, सारी जगहों से विजय पाने, सब दूसरों पे विजय पाने से अच्छा है कि अपने अहंकार पे हमें विजय पाना चाहिए, अपने अभिमान पे हमें विजय पाना चाहिए, अपने क्रोध पे हमें विजय पाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। और वैसे से माता जी का नाम लेते रहिए, नौ दिन आज तो विजयदशमी है, माता जी का नाम लेते रहिए, रात गीत गाते रहिए, हमेशा नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा बोलते रहिए, आना जी का नाम लेते रहिए, जैसे जो उनको करना होगा करेंगे, लेकिन कुछ हमें भी अपना कर्म करना चाहिए। ऐसे बैठ जाएंगे तो अच्छा नहीं ना, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाएगा कि हाँ भाई सबको भाई यू करते पा रहा हूँ। इसके लिए खुद भी हमें कुछ अपना हाथ पे डालाना चाहिए। और आज मैं एक मेरी वीडियो, मेरे बेटे के बर्थडे का, आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए, कितने सरप्राइज मिले हैं। बस अच्छे से गीत गा लीजिए, और हो सके वो किसी को झुकाइए, किसी को नीचा मत झुकाइए, किसी को कोई काम परफेक्ट नहीं था। अगर देखो सामने वाले को सारी चीज़ें आती हैं, परफेक्ट को हमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तुम खूबसूरत हो, तुम गायककार हो, तुम नाचने नाच अच्छा लेते हो, तुम घर गृहस्थी अच्छा चला लेते हो, तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेशन है, सारी क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होगी। वो जो लोग नीचे दूसरों को गिराते हैं ना बात बात पे, तो प्लीज़ कृपया है, निवेदन है कि मत कीजिए। ये जो वक्त है ना, ऐसा फिरता है कि पूछिए मत, ये वक्त किसी के लिए नहीं फिरता है, तो पहले ही हम समझ जाएँ तो अच्छा है, ये तो सही नहीं रहता है। क्योंकि मैंने कईयों को देखा, और इस बार मैंने नोटिस किया कि कईयों को देखा ऐसे बोल जाते ना कि तीखी बोली की पूछोगे, फिर वहाँ से एकदम मन दूर हो जाता है। तो ये दो काम मुझे करना है, एक तो अपने अभिमान अहंकार को दूर करना, जहाँ मुझे नहीं पसंद है, जो जगह नहीं पसंद है, जो इन लोगों से मेरी नहीं मतलब जो मुझे हमेशा हर जगह पे नीचा गिरा रहे, भाई तुम नीचा गिरा के कुछ उस जगह से मुझे कटआउट हो जाना है, नहीं करना झगड़ा करके तुम्हें करके मुझे उतनी देर में तुमसे जितनी बहस करूँगी उतनी देर में भगवान का नाम ले लूँ, वो अच्छा रहेगा, मेरे पाप कर जाएंगे, पाप है तभी तो तुम्हारे जैसे कुछ लोग मिले होंगे मुझे। इसलिए मैंने ये पहले अभी सोच लिया है, इसी नवरात्रि में माता जी करे कि ये भी पार कर लूँ, क्योंकि मैं सावन या नवरात्रि में जो भी सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, अपने पे खुद पे काम, मैं दूसरों पे जज नहीं करती, मैं खुद पे काम, मुझे क्या करना है, और वो मैं करती हूँ। पहले गुस्सा बहुत था, मैंने उसे कम कर दिया, फिर मैंने सोचा कि कुछ लोगों को मेरे कानों में आवाज़ आई कुछ ऐसे की वीडियो का सामने से बोलते थे तो मिले थे, तो फिर उनको मैंने, फिर दूसरा भी ये कि तो जहाँ मुझे ऐसा लगे कि भाई बहुत अपमान हो रहा है, लोग है ना मीठी मीठी बातों में शहद घोल कर बोलते बहुत नहीं करने वाले, तो उनको हमें हटा देना है, मतलब तो वहाँ से हट ही जाओ, वो सही है, तो मैं करके मेरे आधा घंटा झगड़ा करूँ उससे बाद, या फिर तुम्हें सफाइयाँ दी, या फिर तुम्हें समझाऊँ, इससे अच्छा मैं भगवान का नाम लूँ। मिल्क शेक बनाया, और हमारे पांडे जी कह रहे हैं केले का इसमें स्वाद आ रहा है, तो पांडे जी किसका स्वाद आएगा, चीकू का स्वाद आना चाहिए। अब मुंह देखो, इन्हीं की आदत बच्चों को मिली है, देखो दूध और केला दोनों मालूम पड़ रहा है, चक्कर भी पता चला होगा।
मीठा है तो शक्कर भी डाली होगी ना। पानी नहीं मालूम पड़ रहा है। और काजू पीस दिया था? नहीं नहीं पीस दिया है ना, स्वाद नहीं आया। अच्छा तो ये तो चखते रहेंगे। दशहरा अभी मिल्क शेक मुझे लेकिन ये अभी कहाँ है मिला ही नहीं। किधर है, दिख रहा है ग्लास में? एक मिनट, सब लोग पी रहे हैं, कहाँ है? वीडियो घुमाओ, नहीं दिखाओ, उधर वो पी रही है, इधर पापा मेरे मेरे हाथ में ग्लास। किधर है? कहीं नहीं पी तो दे दो पांडे जी इनको। अच्छा बताओ दशहरे के बच्चा कुचा, बच्चा कुचा दिया जा रहा है, ये मेरे एक ग्लास पी लिए और ये दूसरा पी रहे हैं। आप बताइए दशहरे को बुलाएंगे, बोल दीजिए फटाफट, लेट हो रहा है। एक दो जी नहीं बोलिए, नौ टंकी मत कीजिए, बोलिए क्या बोलिए? मतलब दशहरे आपने स्क्रिप्ट नहीं दी, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। इंजीनियर लोग के पास तो बहुत दिमाग होता है सुनते हैं, लेकिन इंजीनियर लोगों के पास सही नहीं लगता। दशहरा के साथ आज एकादशी है, खत्म। आज एकादशी है, दशहरा है। अरे जितना लोग आ रहे हैं पाउडर लगाए हैं। पाउडर में पाउडर वाउडर कुछ नहीं लगाता। जितने भी लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हो सके आज नाम जाप कीजिए, राम नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, अगर हिंदू और अपने आप को भक्त कहते हो, वरना कहना बंद। ओके तो आपके पास भरपूर कपड़ा है, लेकिन ड्रामे कर रहे हैं। अभी भी टी शर्ट लेके आए हैं 50, लेकिन फिर भी ठीक है, चले गए। बताइए आप, आज दशहरा, दशहरे के ऊपर दो लाइनें बोलिए, स्कूल गए हैं। हैप्पी दशहरा, अब तो रो आइए। हैप्पी दशहरा, आई लव यू, और मेरी सुरसी बेबी को हैप्पी दशहरा, एथर इंटरव्यू ओवर। नहीं नहीं तो कुछ तो बोलो उसमें दो लाइन, उससे तो इंजीनियर बाबू ने बोला, लेकिन आप तो कुछ बोल बाल। अरे हम पढ़े लिखे गंवार हैं तो हम कहा बोली भैया, हम कही थे काल बुधवार हुई तो बार कटाई। दशहरा के दिन अपने अभिमान अहंकार को भी त्यागना जरूरी है। मंत्र जाप करो, लेकिन उसी से इसको भी करना जरूरी है। रावण को जलाने से पहले अंदर की बुराइयों को जलाओ। रावण को जलाया नहीं गया था, मारा गया था, राम ने मारा था। अब वो ढोंग करते हैं जो पुतले को जलाते हैं। जो आपको नहीं पता, इनको ये दशहरे के बारे में नहीं कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड को आइए आइए, ये क्या है, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ आज से कोमा से। क्या ये है? मेरी प्यारी सी लड़की, हाँ बोलिए आप। दशहरे के बारे में बस इतना ही बोलना है। आज भगवान राम जी ने रावण को मारा था, इससे पता चलता है बुराई पे बुराई की हार होती है, सच्चाई की जीत होती है। गांव में राम लीला करते हैं शायद आज के दिन, कुछ दिन पहले या फिर कुछ तो होता है। बहुत सारी जगह पे रावण को जलाया जाता है, जब मैं कभी नहीं जाती देखने। आज के दिन इतना क्यों इतने आज के दिन जलेबी और फाफड़ा खाओ, मजा खावा नहीं पीवा नहीं, मजा नहीं लाई। ये कहीं ना कहीं से डायलॉग सुनना नहीं भाई। ये गुजराती लोग का खावा नहीं पीवा नहीं मजा नहीं, और कुछ भी नहीं। दशहरे के ऊपर पढ़ना लिखना भी चाहिए बच्चों को। तो ये क्या है, ये पढ़ तो नहीं, सोइए एक मिनट बस। सुन जब भी मैं पढ़ती हूँ तब मेरे को कोई ना बोले क्या नहीं क्या मुझे मिल्क शेक पी रही। देखो ये मिल्क शेक कितना मीठा है ना। ओ माय, तू खुद बना लिया करो। तो मेरे सारे काम हो चुके, काफी काम बाकी है मेरे, जा रही करने। मम्मी और मौसी मेरा तो मम्मी को मिली है, और मैं रीता जब ये मिलेगी तो इसे क्या बोलना है, क्या करना है इसके वो साथ, तो आज पता ही चल जाएगा। कितने पिंकी मौसी आप ईमानदारी से बताओ, इन लोग कितने बार बोले कि मैं आऊंगी आऊंगी, आती है नहीं आती है, सही बात की गलत बात। कितने बार बच्चे बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे हेल्प करेंगे, एक दिन करके दूसरे दिन करते हैं क्या? नहीं ना, सही बात ना रीता। पिंकी मौसी देखा, आप आओ अंधेरी वो चलेगा, वो भी हमारे काम से नहीं आती है, ना ना खुद के काम से। तो चलो काम है हमें काम करना है, थोड़ा इसलिए मैं नहीं करूंगी तो काम कौन करेगा? लोग नहीं जाएंगे। हैप्पी दशहरा, यदि कुछ मिला मेरी बहन मिली तो मेरी बहन मिली तो मैं बताऊंगी, और ये बहुत ऐसी भक्ति रहेगी क्योंकि पिंकी मौसी अगर मैं बाय से went down when you feel like
lost in your shadow. एक जने माला डला डला के जब कैली सो गया, अभी उठा पे ना पानी मिला है ना कुछ मिला है, बस इन लोगों का ये तमाशा मिला है। एक बच्चा मेरा, मैं गई तब से सो रहा था, देखो मैं गाना बजा रहा था, देख रहा था, दरवाजा खोल खोल के तुम्हें देखा, कंप्लेन कर रहा था।